वालेकुम दोस्तों, कैसे सब दोस्त? खैरियत से? हम आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप ऑनलाइन कर्जा लेना चाहते हैं तो वो आपको कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ लोगों का इतराज है कि हम मजबूर होते हैं, क्या करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मजबूरी बार वक्त होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। अगर आप ऑनलाइन कर्जा ले लेंगे तो वो किस तरह आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि हर आपको पूरी बात का पता चल सके। ऑनलाइन बार वक्त वालों के साथ साथ काफी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं और वो ऑनलाइन कर्जा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह ऑनलाइन कर्जा लेते रहे तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। पहले मैं आपको फायदा बता देता हूँ। इसमें फायदा ये है कि अगर ये 90 दिन का पहले बोलते हैं कि हम 90 दिन में रिटर्न करेंगे और किस्त लेंगे, लेकिन ये 90 दिन नहीं करते, ये फौरन 1 वीक के बाद ही आपसे रब्ता कर लेते हैं। पहली बात, ये ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी बात, ये जितना भी आपको पैसे देने होते हैं ना, उसमें से आधे से भी ज्यादा काट लेते हैं। इंश्योरेंस के मद में, फलां ज़कात के मद में, फलां ऐसा वैसा करके आपके पैसे भी पूरे नहीं देते और उसी पैसों में से ही किस्त शुरू कर देते हैं। नुकसान क्या है, आप जब इनको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं तो ये इनके पास एक जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक ऐसी ऐप है या ऐसा इनके पास जो कंप्यूटर पड़ा होता है, जिसके जरिए ये आपके पूरी फैमिली का डाटा, आपकी इस हद तक तस्वीरें तक ये लोग देखते हैं। और जब आप इनसे किसी भी तरह से मुतालबा करते हैं कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है, ऑनलाइन कर्जा दिया लेकिन उसका गलत फायदा उठा रहे हैं कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ज्यादा से भी ज्यादा डबल ट्रिपल ले रहे हैं, तो तब आप जब इनसे बात करते हैं या इनको किस्त नहीं देते तो फिर ये आपको फैमिली आपकी फैमिली के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपकी हर माँ बहन का इनके पास डाटा चला जाता है, तस्वीरें चली जाती हैं, मोबाइल नंबर चले जाते हैं, कजनों के नंबर चले जाते हैं, आपकी हर प्राइवेसी इनके पास चली जाती है। तो खुदारा इनसे बचे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आज भी बना रहा हूँ। खुदारा ऑनलाइन कर्जा अप्लीकेशन से बचे। ये जो आपके पास इर्द गिर्द छोटी मोटी ब्रांचें हैं कर्जा देने के लिए, ये फिर भी उनसे बेहतर हैं, लेकिन कर्जा फिर भी लेना अच्छी बात नहीं है। मजबूरी के तहत अगर आप लेते हैं तो इनसे ले लें, ऑनलाइन कर्जा ना लें। अप्लीकेशन के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखकर भी समझ ना पाए तो फिर जब आप फंस जाएंगे फिर आप मुझे लाजमी याद करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ अभी से अलर्ट हो जाए। खुदारा अभी से अलर्ट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद